झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी ने रांची में शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में तेजस्वी यादव ने राज्य की रघुवर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस रैली में भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ के नारे दिए, सरकार पर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ये डबल इंजन की सरकार है, उनका एक इंजन भ्रष्टाचार का तो दूसरा अपराध का है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य में बीजेपी की हालत पस्त है, जनता बीजेपी को चुनाव में सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की अपील की। तेजस्वी ने कहा कि गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी ने राम रहीम, चिन्मयानंद, आशाराम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर चुटकी ली। आरजेडी की जन आक्रोश रैली में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण था, लेकिन हेमंत सोरेन पार्टी के दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। इस रैली में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव भी मौजूद थे। रैली में जुटे भीड़ को देखकर राजद नेता बेहद उत्साहित दिखे और बीजेपी को चुनाव में करारी शिकस्त देने का आह्वान किया। वेब 23 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।